हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 3D बॉल बनाने वाले हैं। तो चेस वाली हम बॉल बनाएंगे, क्योंकि चेस आप जो खेलते हैं ना वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला होता है, तो उसके ऊपर हम ऐसी बॉल बनाएंगे कि वो 3D लुक दे। तो आपको है ना पहले लाइंस ड्रॉ कर लेनी है सर्कल के ऊपर से के नीचे तक, और साइड से लेकर राइट से लेफ्ट, वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों लाइन ड्रॉ कर लें बॉल के अंदर। अब मतलब सर्कल के अंदर आपको लाइंस नहीं ड्रॉ करनी है। देखिए, हमने ना बीच वाला जो पॉइंट था ना, जैसे हमने कंपास रखा था उधर, हमने एक ना हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों एक स्ट्रेट लाइन खींची है। और फिर हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों लाइन आपको ऐसे ऐसे बॉक्सेस बना लेने हैं। और आप बॉल के अंदर है ना थोड़ा सा कर्व करते हुए सेकेंड पार्ट से बनाएंगे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों, मतलब राइट टू लेफ्ट भी और अप टू डाउन भी। और ये पहले हमने पेंसिल से करा, फिर हमने पेन से कर दिया ताकि हमारा कुछ गड़बड़ ना हो। तो आपको इस तरह से मेरी तरफ ब्लॉक्स बना लेने हैं ताकि आप ब्लैक एंड वाइट करें तो है ना अच्छे से एकदम अच्छा वाला लुक दे। तो मैंने ये ब्लैक एंड वाइट करा है। तो ये देखिए, मैंने ब्लैक एंड वाइट करके दिखा दिया है कि मैंने किस तरह से एक ब्लैक करा है और उसके पास वाला छोड़ दिया, फिर ब्लैक करा है, फिर छोड़ दिया है। और अब हम इसके नीचे शेडिंग लेंगे। तो शेडिंग मैंने यहाँ पे सिंपल पेंसिल लिए हैं और थोड़ी सी नीचे की साइड डार्क शेडिंग ली है, तो इससे अच्छा लुक देगा। और गाइज, इसी बात पे एक वीडियो को लाइक तो दे ही दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपकी ड्राइंग कैसी लगी। साथ ही ऐसी ड्राइंग्स चाहते हैं तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। देखिए, हमने नीचे की साइड थोड़ी सी डार्क शेडिंग कर दी है और शेडिंग करने के बाद आपको ना ये टू ब्लॉक्स है ऊपर की साइड जो मैं दिखा रही हूँ वो वाले, उसके अंदर आपको ना वाइट कलर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑयल पेस्टर कलर लिया है वाइट, उसके अब से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दिया कि ऊपर से ये ऐसी रियल वाली लगे, लुक अच्छा दे 3D। तो आपको ये जल्दबाजी में नहीं बनानी है, एकदम अच्छे से बनानी है ताकि आपकी ड्राइंग ख़राब ना हो, एकदम अच्छी बने परफेक्ट वाली। तो आपको पहले ये वीडियो अच्छे से समझ लेनी है किस तरह से बनाना है, फिर उसी के बाद आप बनाएं तो आपका भी मेरी तरह ही लुक आएगा सेम। तो जल्द मिलता है ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू।